इंडियन नेवी की फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, पर क्या इंडियन नेवी इन जिम्मेदारियों को संभाल पाएगी? क्या चाइनीज नेवी को रोक पाएगी? क्या इसी तरह से फ्यूचर में भी इंडिया को सिक्योर कर पाएगी? साथ ही क्या अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा पाएगी? तो इस क्या का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, जो आगे चलकर हिंद महासागर में दखल देगी, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनेगी और भारतीय नेवी के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनेगी। अगर एक छोटा सा कंपैरिजन करें अमेरिका और चाइना के बीच, तो साल 2010 के आसपास अमेरिका और चाइना का डिफेंस बजट का जो रेशियो था 1:11, और यहीं अब घटकर केवल 1:3 रह गया है। अमेरिका, जिसके पास कुछ टाइम पहले सबसे बड़ी नेवी थी, पर आज अमेरिका को पीछे छोड़कर चाइना ने इस पोजीशन को हासिल कर लिया है। आज चाइना के पास अमेरिका से भी ज़्यादा शिप है, पर चाइना के पास केवल क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। आज भी सबसे पावरफुल और एडवांस 11-11 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास ही है, पर सबसे बड़ी चाइनीज नेवी है, क्योंकि चाइना को चारों तरफ से खतरा है। फिर चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वियतनाम हो या फिर भारत हो। चीन ने अपने डिफेंस बजट को 6 गुना तक बढ़ा दिया है। अगर चीन के पड़ोसी देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हमें इंडिया के डिफेंस बजट में ही दिखती है। वहीं पर ताइवान ने अपने डिफेंस बजट को 10% बढ़ाया है। जापान ने अपने डिफेंस बजट में कोई फेरबदल नहीं किया। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने डिफेंस बजट को दोगुना कर दिया है। अगर बात करें साल 2000 की, तो अकेले जापान ने चाइना से ज़्यादा डिफेंस पर खर्चा किया था। और अब बात करें 2020 की, तो 2020 में सभी देश जिनमें जापान, भारत, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, सभी मिलकर भी चाइना के डिफेंस बजट का केवल 2/3 होता है। चाइना फिलहाल अमेरिका से भी दुगनी रफ्तार से एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप कर रहा है। चाइना के पास अमेरिका से भी ज़्यादा शिप है। तो इसी के चलते अमेरिका, जो पश्चिमी प्रशांत सागर में अपने आप को नंबर 1 मानता था, जिसकी यहाँ पर अच्छी पकड़ थी, जिसके न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मन चाहे जब इस महासागर में घुस आते थे, आज वो चाइना से दबने लगा है। जो अमेरिका कभी यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाना चाहता था, वो अब यहाँ केवल डिफेंड करने के लिए आ रहा है। और आने वाले दशकों में अगर अमेरिका की अलाय कंट्री उसका साथ नहीं देती है, तो चाइना को अमेरिका डिफेंड तक नहीं कर पाएगा। अब क्या जापान, जो कि एक पावरफुल इकोनॉमी है, वो चाइना को दबाने के लिए अपना डिफेंस बजट बढ़ाएगा? अब तक जापान केवल अपनी GDP का 1% से भी कम डिफेंस पर खर्च करता था। वहीं पर भारत की बात करें, तो आने वाले समय में इंडियन नेवी की प्रॉब्लम बढ़ेगी। हालांकि भारत ने अपने डिफेंस बजट को रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ाया है, पर फिर भी इंडियन नेवी में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। हाल के टाइम में इंडियन नेवी में कई नए सबमरीन और शिप इंडेक्स किए गए हैं, जिससे नेवी की फायर पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, पर इनमें ज़्यादातर रिप्लेसमेंट के तौर पर इंडेक्स किए गए हैं। पुराने शिप और सबमरीन को रिटायर कर उनकी जगह इंडेक्स हुए हैं, जो कि फ्यूचर के लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए इंडिया को भी चाइना की पॉलिसी अपनानी होगी और अपने डिफेंस बजट में और ज़्यादा ग्रोथ करनी होगी, और साथ ही नेवी पर काफ़ी खर्चा भी करना होगा, जिससे और शिप, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी में इंडेक्स किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा देश में बने हथियारों को ही इंडेक्स किया जाए, जो कि किसी भी फॉरेन वेपन से काफ़ी सस्ते होंगे, जिसकी मदद से इंडियन नेवी चाइना की बढ़ती पावर को रोकेगी, जिससे इंडियन नेवी अपनी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी को भी बढ़ाएगी और न्यूक्लियर पावर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।